गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, डिस्क्रॉस मेथड, जिसे कि हमें सॉल्व नहीं करना है, सिलेबस से आउट है, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो अभी हम कर रहे थे 3.4, जिसमें थी आपकी एलिमिनेशन मेथड, लेकिन जो 3.5 की वर्ड प्रॉब्लम है उसे हम दूसरे मैथड से, एलिमिनेशन मैथड से, ग्राफिकल मैथड से, सब्स्टिट्यूशन मैथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम 3.5 की जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 3.5 का, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। वन हैज टेकन फूड इन द मेस, व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000। इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट है जो कि मेस से भोजन ले रहा है, फूड ले रहा है, और उसने लिया 20 डेज के लिए और पेमेंट कितना किया 1000, ठीक है। वेयर इज अ स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट और है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जिसने फूड लिया 26 डेज के लिए और कितना पे किया 1180 रुपीज, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर चार्ज, कुछ तो चार्ज फिक्स है, क्वेश्चन में समझना, चाहे आप भोजन अपना फूड 20 दिन के लिए लें, 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, एक चार्ज आपका फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो कि देना ही देना है। उसके बाद चार्ज पर डे, इसमें आपको रिज्यूम करना होगा, लेट फिक्स चार्ज क्या लेते हैं, रुपीज एक्स, एंड चार्ज पर डे, पर डे का जो चार्ज है, चार्ज पर डे वो लेते हैं रुपीज 1, ठीक है। अब फॉर स्टूडेंट ए ने लिया 20 डेज के लिए, तो एक्स तो उसको देना ही है जो कि फिक्स है, और एक दिन का पेमेंट है वाई, तो 20 दिन के लिए कितना देना होगा 20 डेज के लिए, 20y = 1000। ये रही क्वेश्चन नंबर 1। जबकि स्टूडेंट बी है वो पे करता है 26, वो लेता है फूड 26 डेज के लिए, तो उसको भी एक्स पे करना है, और 26 के लिए कितना हो जाएगा 26y = 1180। ये आपके होगी सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो कि अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे करेंगे इसको, एलिमिनेशन से, और एलिमिनेशन मेथड आपको आती है, क्या करना है, साइन चेंज करना है, प्लस माइनस, ये वैल्यू कैंसिल होगी, यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड होगी, और इस वाई की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं, और फ्रैक्शन के बेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताया था जो कि फ्रैक्शन में क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट है, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इसमें एज्यूम कर लो, लेट फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं, फ्रैक्शन एज्यूम कर लेते हैं एक्स अपॉन वाई, तो मान लिया अपन ने फ्रैक्शन क्या है एक्स अपॉन वाई। उसके बाद केस फर्स्ट क्या है देखें, और फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर 1। एक फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है अगर उसके न्यूमरेटर में से सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो क्या होगा, फ्रैक्शन लिख लो, अगर इसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/3। यहां से अपना आप फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का x में तो क्या हो जाएगा 3x, 3 का 1 में -1 में -3, y का 1 में y को पास लाएं 3x - y, -3 को शिफ्ट कर देंगे +3, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस लेते हैं, केस टू यहां भी फ्रैक्शन लिखते हैं x अपॉन y, देखते हैं यहां कंडीशंस क्या है। सेकंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट इट बिकम्स 1/4, यानी कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 1/4। कब, क्या कंडीशन है, व्हेन एट इज एडेड टू द इट्स न्यूमरेटर। देखो अगर इसके न्यूमरेटर में 8 एड कर दिया जाए
डिनोमिनेटर में। फर्स्ट में क्या था, अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया जाए तो वैल्यू 1/3 हो जाती है, यहां से फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमें। सेकंड क्या है, अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में प्लस 8 कर दिया जाए इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4। अब यहां से हमें क्वेश्चन मिलेगी, कैसे मिलेगी, 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे क्या होगा 4x, और वाई प्लस 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 8, वाई को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब दो इक्वेशन मिल गई, दो केस से अपने को दो इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करने के बाद पता है आपको, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है जब तक प्लस नहीं होगा कैंसिल नहीं होगा, यहाँ प्लस है माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, एंड दिस विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी, और x की वैल्यू जो भी फाइंड होगी उसे हम वापस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद दो तीन क्वेश्चन और है जिससे आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कल कवर करेंगे।